सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और वेरी गुड मॉर्निंग। सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:21, ठीक है, 9:30 बजने वाला है। 9:30 बजे से मेरी एक क्लास है और उसके बाद फिर एक और दो क्लास लेनी है आज मॉर्निंग में अपने को, और आने के बाद फिर जो कल मैं कटिंग टूल लाया था उनकी मदद से आज अपने को डैशबोर्ड के अंदर सारे कटआउट्स को काट के देखना है। अभी तो सबसे बड़ा जजमेंटल चीज़ यही है कि वो कटिंग टूल ढंग से काम करते भी हैं या नहीं। ऐसे उम्मीद तो है मेरे को कि मैं काट लूँगा, क्योंकि जो शीट है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आने के बाद फिर वो काम करना है। तो ज़्यादा देर नहीं करता, मैं रेडी हूँ, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब हो गया है। अब बस सीधे कैमरे को डालता हूँ बैग में और निकलता हूँ यहाँ से मैं क्लासेस लेने के लिए। तो मिलता हूँ सीधे बाइक पे आप लोगों को। Let's go. Yeah. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. So friends, ready? चलने के लिए ग्लव्स डाल लेते हैं बस, ताकि हाथ काले ना पड़े। गर्मी तो अभी से अच्छी खासी पड़ने लग गई है। 9:30 बज रहा है लेकिन भैया हवा भी गर्म और धूप भी तेज। पहुंच ही गया हूँ ऑलमोस्ट क्लास लेके, फिर मिलता हूँ आगे आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, जो होल्स काटने थे वो तो अपन ने काट लिए, अब इस पर करना है अपने को पेंट। तो ये है मेरे पास स्प्रे मैट ब्लैक, तो जल्दी से इसे मैं कहीं पे पहले हैंग कर देता हूँ वो डैशबोर्ड को अपने, और फिर इसे अपन पेंट करते हैं फटाफट। क्या ऐसे अच्छे से हिलाना पड़ता है स्प्रे करने से पहले, तभी स्प्रे सही आता है। ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट डन, ठीक है, ये देख सकते हो आप ब्लैक हो चुका है पूरा ये। अभी थोड़ा शाइनिंग दिख रहा है लेकिन दिन की वजह मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो सही दिखेगा ये, ठीक है। मैट ब्लैक है ये पूरा, और मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में, वो ये गलती हो गई है कि मुझे इसे कराना था पहले हैंडल में वेल्ड, और वो अपन कराना भूल गए। तो अब अपन ये करेंगे कि इसको वेल्ड करवा लेंगे, थोड़ा पेंट मेरे पास अभी बचा हुआ है, वैसे भी हैंडल पे पेंट होना है साथ में, तो साथ में पेंट करा लेंगे दोनों चीज़ों को। तो ये हो गया अपना काम फिनिश। ये वाले हेडफोन हो रहे हैं चार्ज, ये वाले, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल जिम में। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसे ख़रीदा था हमने रोड साइड स्टॉल्स जो रहते हैं वहाँ से, मुंबई से, और करीबन 4-5 साल पुराने, और आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार। मतलब मेरे को लग रहा था बैटरी ख़राब हो गई होगी, लेकिन बैटरी भी पूरी अच्छी चल रही है। मैं 1-1.5 घंटा जिम में यूज़ करता हूँ, पर्याप्त चलते हैं, बैटरी ख़त्म नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का ओवरऑल, वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। एक तो गर्मी ने हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है। मैंने क्या, सर्दी झेल जाती है, बारिश झेल जाती है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं झेलती। मतलब मैं बहुत परेशान होता हूँ गर्मी से यार। तो शाम तक होते होते ना बैटरी ऐसी डाउन हो जाती है कि कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बचती। तो अभी थोड़ी देर पहले बस मैंने अपनी मशीन का वो डैशबोर्ड वाला जो आपने वीडियो देखा वो ख़त्म करा, उसके बाद नहा लिया हूँ, अब बैठ के वीडियो एडिट करूँगा अपना, ताकि टाइम पे सो सकूँ, सुबह उठ के फिर जिम जाना है अपने को। तो वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ इसलिए, और वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ कल आप लोगों को मॉर्निंग में सुबह, लेकिन जाने से पहले एक फिर से पहले जैसी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए स्टे सेफ और गुड बाय फ्रेंड्स।